अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ, या आप इसे मेरी नाइट रूटीन भी कह सकते हैं। काफ़ी लोगों की ये आदत होती है, काफ़ी लोगों को तो छोड़ के मैं अपनी ही बात करती हूँ कि मैं मेकअप रिमूव करते बस जो भी सोप यूज़ करती थी वो लिया और उससे फेस वॉश कर लिया, और जब पिम्पल्स या स्किन डल हो जाती थी फिर होता था कि पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। मेकअप रिमूव करने के भी कुछ स्टेप्स हैं जो मैं करती हूँ और आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले ये मेरे पास है गार्नियर माइसलर क्लिनजिंग वाटर, इससे मैं वाटरप्रूफ मेकअप भी बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है। और इस बॉटल को यूज़ करते हुए मुझे 5 मंथ्स हो चुके हैं। डेली मेकअप जो है वो मैं इसी से रिमूव करती हूँ। ये 400 ml की बॉटल है जो मुझे 400 something में मिली थी, इसी में जो है वो 200 ml की बॉटल भी जो है वो आपको ईजीली मिल जाएगी। और इसमें जो है ये हमारी स्किन को जो है वो क्लीन करता है, डीप क्लीन करता है। सेकंड स्टेप जो है वो आप कोई भी क्लींजर ले लें या बेबी वाइप्स ले लें, उससे उसके साथ जो है वो आप अपना मेकअप को जो है रह गया उसे रिमूव करें। और थर्ड स्टेप जो है वो मेरे पास मास्क है, मास्क जो है वो मैं आपको अब खुद बना कर दिखाऊँगी। ये मास्क जो है मैं डेली बेसिस पे तो नहीं, वीकली जो है वो मैं 2 to 3 times जो है वो मैं इसे अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर। और इस मास्क में जो है वो मैं रोज़ वाटर ऐड करूँगी। ये मेरे पास मुल्तानी मिट्टी है और इसमें जो है वो मैं रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। ये जी मास्क रेडी है और अब इसको जो है वो मैं 10 to 15 minutes अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी एंड दैट्स इट। और लास्ट पे जो है वो मेरे पास है ब्यूटीफाय बाय आमना का फेशियल मॉइस्चराइज़र, और इसको जो है वो मैं अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद जो है वो ये जो है वो लास्ट स्टेप है, उसके बाद हम सो जाएंगे। और ये सब चीज़ें जो है वो मैं अपनी डेली नाइट रूटीन में यूज़ करती हूँ। सबसे पहले जो है ये माइसलर वाटर है, और उसके बाद क्लिनज़र है, मास्क है, और ये फेशियल मॉइस्चराइज़र है। ये सब मैं अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन में, और यही मेरी स्किन केयर नाइट रूटीन। होप यू लाइक द वीडियो, देन थम्स अप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।